Today I am going to teach you science chapter 4 part 2 science chapter 4 part 2 So monkeys and other animals of this type such as gorillas apes and chimpanzees can also use their forelimbs like man jaise insaan apna forelimbs jaise ki apna हाथ पैर यूज करते हैं ठीक उसी तरह कितने मंकीज हैं जो कि इंसानों की तरह अपना फोरलिम्स यूज करते हैं जैसे कि एप्स गोरिल्ला चिंपांजी ठीक है दे आल्सो डू वेरियस एक्टिविटीज लाइक कैचिंग फूड होल्डिंग फूड एंड अदर ऑब्जेक्ट्स विद देयर फोरलिम्स जैसे इंसान अपने हाथों से किसी फूड को पकड़ता है या डिफरेंट टाइप ऑफ वर करता है ठीक उसी तरह चिंपांजीज मंकीज चिंपांजीज एप्स एंड गोरिल्ला ये भी इंसानों की तरह अपने फोरलिम्स को यूज करते हैं सो नेक्स्ट बर्ड्स कैन वॉक ऑन लैंड फ्लाई थ्रू एयर एंड सम कैन इवन स्विम इन वाटर बर्ड्स क्या करते हैं ना आसमान में उड़ सकते हैं जमीन में चल सकते हैं और इतने सारे बर्ड्स है जो पानी में भी स्विम कर पाते हैं यू नो दैट बर्ड्स हैव वन पेयर ऑफ विंग्स टू फ्लाई आप सभी को पता होगा कि बर्ड्स का क्या है वन पेयर ऑफ विंग्स है या अर्थात दोनों तरफ क्या होता है बर्ड्स का विंग्स होता है विंग्स आर मॉडिफाइड फोरलिम्स जैसे हमारा फोरलिम्स है ठीक उसी तरह बर्ड्स का विंग्स है बर्ड्स ऑल्सो हैव ए पेयर ऑफ हाइंड लिम्स बर्ड्स का हाइंड लिम भी है यानी कि हमारा फोरलिम हमारा हाथ है उनका फोरलिम उनका विंग्स है और उनका हाइंड लिम क्या है उनका लेग टू लेग होता है उनका They use their legs when they walk or run. जब जमीन पे वो चलते हैं और भागते हैं तब वो अपना लेग का यूज करते हैं Legs of different birds have different type of claws that help them in perching and catching to prey. और उनका जो claws होता है वो claws क्या करने के लिए help करता है अपने प्रे को कैच करने के लिए अपने खाने की चीज को पकड़ने के लिए ठीक है अपना शिकार को पकड़ने के लिए वो यूज करते हैं सम बर्ड्स लाइक पीकॉक एंड फॉल फ्लाई ओनली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस इतने एनिमल्स हैं जैसे कि पीकॉक फॉल ये सब क्या करते हैं ना थोड़ा देर के लिए या सम डिस्टेंस थोड़ी दूर तक जंप कर सकते हैं ज्यादा जंप नहीं कर सकते या ज्यादा फ्लाई नहीं कर सकते वो सम बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिचेस एंड पेंगुइन्स डू नॉट फ्लाई एट ऑल और भी कितने सारे बर्ड्स है जो कि उड़ नहीं सकते वो फ्लाई नहीं कर सकते जैसे कि ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन्स द विंग्स ऑफ बर्ड्स आर फीदर्स The wings are attached to powerful chest muscles, which help them to move their wings up and down. The feathers on the wings and tail also help them to fly. तो पक्षियों का या birds का जो wings है, वो wings अपना muscle, powerful muscle के साथ जुड़ा हुआ होता है और उनका tail इन्हीं के वजह से वो लोग आसानी से fly कर सकते हैं। The toes of some birds like dogs are webbed which help them to swim. तो देखो पानी के अंदर डॉग रहते हैं उनका क्या होता है ना उनका जो टोज है उनका वेब टोज है जिसके वजह से वो पानी के अंदर आसानी से तैर सकते हैं स्विम कर सकते हैं Next, some reptiles have limbs while Other do not have limbs. तो अभी reptiles के बारे में हम पढ़ेंगे Some reptiles have limbs and some do not have. कितने reptiles में उनका limbs होता है
और कितने रेप्टाइल्स के लिम्स नहीं होते। लिम्स यानी कि फोर लिम्स हमारा है ना, हैंड फोर लिम्स, हाइंड लिम्स, लेग। तो कितने रेप्टाइल्स के होते हैं और कितने रेप्टाइल्स के नहीं होते, उसी के बारे में पढ़ेंगे। रेप्टाइल्स लाइक लिजर्ड, टर्टल एंड क्रोकोडाइल्स हैव टू पेयर ऑफ लिम्स। तो देखो लिजर्ड, टर्टल एंड क्रोकोडाइल, इनका फोर लिम्स होते हैं, फोर लिम्स होते हैं और हाइंड लिम्स भी होते हैं, बट स्टिल दे क्राउल ऑन द ग्राउंड। फिर भी वो ग्राउंड में क्या करते हैं, क्राउल करते हैं। दे यूज द लिम्स ओनली व्हेन दे हैव टू लिफ्ट देयर बॉडीज अबव द ग्राउंड। वो अपने लिम्ब को कब यूज करते हैं, जब वो अपने ग्राउंड से ऊपर जाना चाहते हैं तब अपना लिम्स को वो यूज करते हैं, नहीं तो वो जमीन पर क्या करते हैं, क्राउल करते हैं, घसीटते हैं। स्नेक आर रेप्टाइल्स व्हिच डू नॉट हैव लिम्स। ठीक है, तो रेप्टाइल्स जो एक है जो कि स्नेक, उनका कोई भी फोर लिम्स नहीं होता, उनका कोई भी हैंड लिम्स नहीं होता। आप सभी जानते हो स्नेक का कोई हाथ पैर कुछ भी नहीं होता। देन हाउ डू दे मूव विदाउट लिम्स। फिर कैसे वो लोग लिम्स, बिना लिम्स के जमीन पे कैसे वो जाते हैं। यू नो स्नेक कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड कैन इवन क्लाइंब ट्रीज इजीली। हम सब जानते हैं एक स्नेक एक जगह से और एक जगह, एक प्लेस से और एक प्लेस में आसानी से जा सकता है, और एक ट्री, ट्री में भी वो आसानी से चल सकता है। बिकॉज दे हैव ब्रॉड प्लेट्स और स्केल्स प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड ऑफ देयर बॉडीज। उनका बॉडी का नीचे के हिस्से में एक तरह का प्लेट्स होता है या स्केल होता है, जिसके द्वारा वो जमीन में आसानी से रेंगते हैं या क्राउल करके जाते हैं। Those plates are attached to their ribs. When the snakes move, the plates act like feet and the ribs act like legs. Snakes also have flexible backbone and strong body muscles which help them to move freely. तो उनका भी मसल्स हैं, स्ट्रांग मसल्स हैं, जिसके द्वारा वो जमीन पे आसानी से फ्रीली मूव कर पाते हैं। नेक्स्ट इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स हैव थ्री पेयर ऑफ लेग्स, थ्री पेयर दैट मीन्स सिक्स। हम हमारे इंसान का टू पेयर है मतलब चार। ठीक है, ये एक पैर हमारा हाथ, दोनों हाथ एक पैर और हमारा पैर और एक पैर। लेकिन इंसेक्ट का थ्री पैर होते हैं, थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। मेनी ऑफ देम हैव वन और टू पेयर्स। इनके बीच में बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे भी है जिनके एक पैर लेग एक पैर्स होते हैं और किन किन के टू पैर्स भी होते हैं। So many of them have one or two pairs of wings. In addition to those, insects like cockroaches, beetles, and ants work with their legs. Insects हैं जैसे कि cockroach, beetles, and ant, वो क्या करते हैं, अपने legs के द्वारा जमीन में चलते हैं या walk करते हैं। Some insects such as grasshopper use their long hind legs for hopping, jump करने के लिए, hop, jump करने के लिए। grasshopper क्या करते हैं, उनका एक long hind leg होता है जिसके द्वारा वो जमीन में कूद सकते हैं, jump कर सकते हैं। Some insect use their legs for swimming in water। और ऐसे भी कई insect हैं जो कि क्या करते हैं, अपने लेग्स को यूज करके, लेग्स का यूज करके पानी में स्विम करते हैं। सम इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाइज एंड हनीबीज हैव विंग्स टू फ्लाई। और बहुत सारे इंसेक्ट है जैसे कि बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाइज, हनीबीज, उनका विंग्स होते हैं जिसके द्वारा वो लोग आसानी से क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। द विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स आर
डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ बर्ड्स। लेकिन इंसेक्ट का जो विंग होता है वो बर्ड से थोड़ा डिफरेंट होता है। दे हैव नो फीदर्स और बोन्स और स्ट्रांग मसल्स। ठीक है, इंसेक्ट का जो विंग्स होता है उसमें कोई स्ट्रांग मसल नहीं होता, कोई बैक बोन्स नहीं होता और इतना स्ट्रांग भी नहीं होता। देयर विंग्स आर मेड ऑफ टाइनी कलर स्केल। दे मूव विद द हेल्प ऑफ मसल व्हिच आर अटैच्ड टू द थ्रक्स ऑफ द इंसेक्ट। सटल इंसेक्ट्स सच एज फ्लाइज, बेड बग्स, सिल्वर फिश एंड फ्लीज डू नॉट हैव विंग्स। दे कैन नॉट फ्लाई, दे ओनली क्राउल विद देयर लेग्स। तो जितने भी सारे इंसेक्ट क्या करते हैं, एयर में फ्लाई करते हैं, उनका जो विंग्स होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जैसे कि बर्ड्स का होता है। और भी कई सारे इंसेक्ट हैं जिनका कोई भी विंग्स नहीं होता, वो कभी भी एयर में फ्लाई नहीं कर सकते। कौन सा? लाइस, बेड बग्स, सिल्वर फिश, फ्लीज एटसेट्रा। नेक्स्ट, यू मस्ट हैव सीन ए फिश स्विमिंग अबाउट इन वाटर। आप लोग देखे होंगे कि फिश पानी में क्या करता है, तैरता है, स्विम करता है। फिशेस हैव फिन्स फॉर स्विमिंग इन वाटर। तो फिश कैसे वो स्विम करता है पानी के अंदर, उनका फिन्स होता है, उनके फिन्स के हेल्प से वो लोग पानी में तैर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। फिशेस हैव टू टाइप ऑफ फिन्स। तो जितने भी सारे फिश है उनका टू टाइप का फिन्स होता है, पेयर ऑफ फिन्स एंड अनपेयर फिन्स। एक तो पेयर फिन्स और एक अनपेयर फिन्स, सिमिलर टू फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स इन अदर एनिमल्स। जैसे अदर एनिमल्स का फोर लिम्स होता है और हाइंड लिम्स होता है, जैसे कि हमारा फोर लिम्स दो हाथ, हाइंड लिम्स दो लेग, ठीक उसी तरह एक फिश का भी क्या होता है ना, पेयर फिन्स होता है आगे और अनपेयर फिन्स होता है। आप लोग देखो अपने बुक में है मछली फिश, द टू पेयर लिम्स आर यूज टू मूव फॉरवर्ड, द अनपेयर फिन्स मेंटेन बैलेंस एंड टेल हेल्प टू चेंज डायरेक्शन। वो अपने फिन्स के द्वारा क्या करते हैं, पेयर फिन्स के द्वारा क्या करते हैं ना, आगे जाने के लिए उसको यूज करते हैं। ठीक है, एक फिश का जो पेयर लिम्स होता है उसके द्वारा वो आगे फॉरवर्ड होते हैं, आगे जाते हैं, और जो अनपेयर फिन्स है वो अपना बैलेंस मेंटेन करता है, और उसका जो पूंछ है टेल उसके द्वारा वो डायरेक्शन चेंज करता है। जैसे गाड़ी चलाते वक्त हम डायरेक्शन चेंज करते हैं कि नहीं, इधर जाते हैं, राइट जाते हैं, लेफ्ट जाते हैं, किधर भी, ठीक उसी तरह एक फिश जब स्विम करता है पानी में स्विम करता है, उसका जो लिप्स होता है, कौन सा लिप, सॉरी फिन्स होता है, पैड फिन्स, वो आगे बढ़ाता है उसको, अनपैड फिन्स क्या करता है उसको उसका बैलेंस को मेंटेन करता है, और उसका जो टेल है वो क्या करता है, उसका टेल उसका डायरेक्शन चेंज करने में उसको मदद करता है। टर्टल कैन ऑल्सो स्विम। टर्टल भी पानी में स्विम कर सकता है। दे हैव फोर पैडल लाइक लिम्स टू पुश वाटर। उनका भी फोर पैडल होता है लिम्स के जैसे, जिसके द्वारा वो पानी में क्या करते हैं, स्विम कर पाते हैं। मोस्ट टर्टल्स कैन नॉट स्विम। लेकिन बहुत सारे टर्टल्स ऐसे हैं जो कि पानी के अंदर स्विम नहीं कर सकते। Then penguins use their two forelimbs as flipper to push water and swim. Penguins, ठीक है, penguins क्या करते हैं, उनका जो forelimbs है उसको flipper ऐसे ऐसे पानी में flip करते हैं, ठीक है, उनका forelimbs को flip करके पानी को push करते हैं और आगे बढ़ते हैं या swim करते हैं। Animals like frog and dog have web toes that help them to swim in water. जैसे कि animals से frog and
डॉग उनका क्या होता है ना, वेब टॉर्च होता है जिसके द्वारा वो पानी में स्विम कर पाते हैं। इन फ्रॉग्स हाइंड लिम्स आर मच लॉन्गर देन द फोर लिम्स। फ्रॉग में क्या होता है, जो उनका हाइंड लिम होता है, पीछे का जो दो लेग होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, आगे आगे का दो जो लिम्स होता है उनसे थोड़ा बड़ा होता है, जिसके दोज हेल्प द फ्रॉग इन जंपिंग एंड स्विमिंग। इसके वजह से वो क्या करते हैं, आसानी से जंप करते हैं और पानी में स्विम कर पाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माइग्रेशन अमंग एनिमल्स। माइग्रेशन, व्हाट इज माइग्रेशन? एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना। अगर इस जगह में एनवायरमेंट को वो लोग एडजस्ट नहीं कर पाते, एनिमल्स यहाँ पर गर्मी बहुत है, हम इधर नहीं, हम बोलते हैं ना यहाँ पर बहुत गर्मी है हम इधर नहीं रहेंगे, हम जहाँ पर ज़्यादा ठंडा है उधर जाएंगे, यहाँ पर फूड नहीं है हम इधर नहीं रहेंगे, हम दूसरी जगह जाएंगे, ठीक है। तो इसी कारण की वजह से हम एक जगह छोड़ के और एक जगह चले जाते हैं, इसको बोलते हैं माइग्रेशन, ठीक है। तो वही एनिमल्स का माइग्रेशन हम पढ़ेंगे। एनिमल्स हैव ए नेचुरल टेंडेंसी टू एडाप्ट टू द सराउंडिंग्स। व्हेन दे फेल टू एडजस्ट टू द सराउंडिंग्स दे आइदर डाई और शिफ्ट टू अदर प्लेसेस दैट सूट देम। अगर एनिमल्स एक प्लेस का एनवायरमेंट को एडजस्ट नहीं कर पाता तो क्या करता है, वो एनिमल्स मर जाता है या फिर वो उस जगह को छोड़ के दूसरे जगह चला जाता है। अच्छा, एक एनिमल्स अपना एनवायरमेंट को क्यों अपना नहीं सकता? क्योंकि वो एडजस्ट नहीं कर पाता। हम हर जगह में एडजस्ट हो पाएंगे क्या? नहीं। जैसे कि हम इधर रहते हैं, हम अगर कश्मीर में जाएंगे उधर बहुत ठंडा होता है तो उधर हम रह नहीं पाएंगे, हमको बहुत मुसीबतें आएंगी। ठीक उसी तरह एनिमल्स भी कितने सारे कारण के वजह से वो एनवायरमेंट जो चेंज हो रहा है दिन ब दिन, उस एनवायरमेंट को वो अपना नहीं पाते और उनको कोई फूड भी नहीं मिलता, इसलिए वो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर एट ए पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज माइग्रेशन। तो याद रखो, माइग्रेशन किसे बोलते हैं? द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। अगर एक एनिमल्स एक रीजन और एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है एट ए पर्टिकुलर टाइम, साल में एक ऐसा टाइम आएगा जो उसी टाइम पर वो उस जगह को छोड़कर चला जाता है और वो टाइम जाने के बाद फिर वहां पर चला आता है, उसको बोलते हैं माइग्रेशन, ठीक है। एनिमल्स माइग्रेट इन ऑर्डर टू, एनिमल्स क्यों माइग्रेट करते हैं? माइग्रेट यानी एक जगह छोड़कर और एक जगह चले जाना, क्यों माइग्रेट करते हैं? देखो, एवॉइड अनफेवरेबल वेदर कंडीशन। जो वेदर कंडीशन में चेंज होता है उसको वो सह नहीं पाते, इसलिए वो चले जाते हैं, ये एक कारण है। और एक कारण क्या, सर्च फॉर फूड, वो फूड खोजने के लिए भी एक जगह को छोड़कर वो चले जाते हैं। रीच देयर सेफ ब्रीडिंग प्लेसेस, और जहाँ पे जाके वो आसानी से जी सकते हैं, आसानी से खा पी सकते हैं, वो वहां से इसलिए भी जा सकते हैं। मेनी फिशेस मम्मल्स इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स माइग्रेट। बहुत सारे फिश है, बहुत सारे मम्मल्स है और इंसेक्ट भी है जो कि एक जगह को छोड़कर और एक जगह चले जाते हैं। बर्ड्स, बर्ड्स भी, हम मम्मल्स हैं हम भी जाते हैं कि नहीं? अगर एक इंसान यहाँ पर कोई काम नहीं है तो वो क्या करेगा, वो जगह छोड़कर दूसरी जगह चला जाएगा जिधर काम मिलेगा, है कि नहीं? तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो माइग्रेट करते हैं, खास करके मम्मल्स, फिशेस, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। व्हेन द कंडीशन बिकम सुटेबल दे रिटर्न टू देयर ओरिजिनल होम्स। जब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी समर सीजन आ गया, बहुत गर्मी है,
तो यहाँ का जो बैट है और पक्षी है बर्ड्स, वो इस गर्मी में रह नहीं पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, जहां पर ठंडा है वहां पर चले जाएंगे। ठीक है, जब इधर का सिचुएशन ठीक होगा यानी कि इधर गर्मी खत्म हो जाएगा, फिर वो एनिमल्स क्या करेंगे, वो बर्ड्स फिर से इधर चले आएंगे। ठीक है, ऐसे ही होता है। द आर्कटिक टर्न इज एन इंटरेस्टिंग माइग्रेटरी बर्ड। तो आर्कटिक टर्न जहां है वो एक इंटरेस्टिंग माइग्रेटरी बर्ड है, वहां पर बहुत सारे बर्ड माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट यानी यहाँ एक जगह से और एक जगह जाना। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 17,000 किलोमीटर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल होम इन द आर्कटिक रीजन टू द अदर एंड ऑफ द अर्थ इन द अंटार्कटिक। तो आर्कटिक रीजन में बर्ड से जो क्या करते हैं, 17,000 किलोमीटर 17,000 किलोमीटर दूर तक वो डिस्टेंस करके चले जाते हैं। कहां पर, अंटार्कटिक में जाते हैं। ठीक है, उनका नेटिव प्लेस है आर्कटिक रीजन, उसको छोड़ के वो लोग 70,000 किलोमीटर जाते हैं फ्लाई करके, कहां पर, अंटार्कटिक में चले जाते हैं। इट ट्रेवल द सेम डिस्टेंस व्हेन इट रिटर्न्स अगेन द सेम ईयर। वो 17,000 किलोमीटर जाते हैं और उसी साल फिर वहां पर वो वापस चले आते हैं। नेक्स्ट, साइबेरियन क्रेन्स कम टू इंडिया फ्रॉम साइबेरिया इन विंटर। हमारे इंडिया में जब विंटर सीजन होता है तो साइबेरिया अर्थात हमारे भारत के बाहर इंडिया से बहुत दूर साइबेरिया से बर्ड्स उड़ के हमारे इंडिया में आते हैं। कौन से सीजन में, विंटर सीजन में। द यूरोपियन स्टॉक ट्रेवल्स फ्रॉम यूरोप टू अफ्रीका एवरी विंटर। यूरोपियन स्टॉक, ठीक है, यूरोपियन का जो स्टॉक होते हैं वो लोग क्या करते हैं, यूरोप छोड़ के अफ्रीका में चले आते हैं। कौन से सीजन, विंटर सीजन। Then it returns to Europe in the spring. और स्प्रिंग सीजन में फिर से वो अफ्रीका छोड़ के अपने देश यूरोप में चले जाते हैं। Next, eels. Eels यानी फिश के जैसे एक प्राणी है eels. Eels are snake like, सांप के जैसे होता है और फिश के जैसा होता है। ठीक है, eels are snake like fishes that spend their life in fresh water. तो eels एक प्राणी है जो कि साफ पानी में रहता है, साफ सुथरा पानी, पूरा फ्रेश एयर में, फ्रेश वाटर में रहता है। When they grow up, they go to sea to lay eggs. तो जब वो बड़ा हो जाता है, क्या, कौन सा प्राणी, ईयल्स। ईयल्स यानी वो एक मछली के जैसा प्राणी है। ठीक है, एक मछली का जैसा होता है, एक जैसे कि स्नेक जैसा भी हो सकता है। Yes, जो क्या करता है, जब बड़ा हो जाता है वो समुद्र में चला जाता है, सी में चला जाता है। क्यों, अंडा देने के लिए। ठीक है, When the eggs hatch, the parent seals die and the young ones seals return to the river from where their parents came. तो नदी में रहता है कम, yes, yes, नदी में रहते हैं, वो क्या करते हैं, नदी को छोड़ के समुद्र में चले जाते हैं। ठीक है, सी में चले जाते हैं। क्यों, अंडा देने के लिए। तो समुद्र में जब चले गए, सी में जाने के बाद अंडा दे दिए, अंडा जब हैच फट गया और उसके अंदर से बच्चा निकला, तब उसका जो अंडा देता है, जो अंडा दिया ईयल्स, वो मर जाएगा। अंडा देने के बाद वो मर जाता है। ठीक है, और जब उसका बच्चा बड़ा हो जाता है, उसका बच्चा फिर उस नदी में चला आता है जिस नदी से उसका माँ या उसका पिताजी वो समुद्र में अंडा देने के लिए गए थे, उसी जगह उसका बच्चा भी चला आता है। ठीक है,
Some butterflies also migrate. For example, some monarch butterflies fly from Canada to Mexico. Butterflies जो है वो भी माइग्रेट करते हैं, मतलब एक जगह छोड़कर और एक जगह चले जाते हैं. कौन सा बटरफ्लाई? मोनार्च बटरफ्लाइज. बटरफ्लाइज का राजा कहा जाता है. ठीक है, मोनार्च बटरफ्लाइज वो लोग क्या करते हैं, कनाडा से मेक्सिको चले जाते हैं. मेनी अदर एनिमल्स ऑल्सो माइग्रेट. और भी बहुत सारे एनिमल्स है जो कि माइग्रेट करते हैं. माइग्रेट करने क्या, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना. The migratory birds coming to India are our guest. तो हमारे इंडिया में जो बाहर से जो बर्ड्स आते हैं वो हमारा गेस्ट है कि नहीं. We should take special care of migratory birds. जो migratory birds है बाहर की दुनिया से या बाहर के एरिया से हमारे एरिया में जो आते हैं वो हमारा गेस्ट है और उनका अच्छे से देखभाल करना हमारे जिम्मेदारी है. ठीक है, तो साइंस 4 चैप्टर फिनिश हो गया है. अगर कोई भी डाउट है तो हम जो क्लास में डिस्कस करें.